नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे तेजस 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री के आदेश पर सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा, इसमें बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट रॉन्ग साइड ड्राइव करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर चालान किए गए और लाइसेंस को निरस्त किया गया। गाड़ियों के चालान दे वाहन स्वामियों हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कन्नौज ARTO संजय कुमार झा नेतृत्व में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसमें 59 गाड़ियों के चालान किए गए। ARTO संजय कुमार झा ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद 19 मई से 18 जून तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा, जिसके कन्नौज के तिरवा क्रॉसिंग, जलालपुर, पंडवारा, सरायमीरा आदि सभी जगह अभियान चलाकर पंपलेट के माध्यम से सभी वाहन चालकों को जागरूक भी किया गया। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाली चालकों के चालान किए गए और 5 वाहन स्वामियों के लाइसेंस कैंसिल किए गए। वहीं बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने वालों के चालान काटे गए और रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों के भी चालान काटे गए। चालान कटते देख कन्नौज में हड़कंप मच गया। सीबू सैनी की रिपोर्ट। तरह के अभियान चलाए और कितने चालान किए गए? शासन के निर्देश के अनुपालन के क्रम में 18 मई 2022 से लेकर के 18 जून 2022 तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन शासन के द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में विभाग के द्वारा आज हेलमेट, सीट बेल्ट, रॉन्ग साइड ड्राइविंग की यहाँ चेकिंग की गई। इसमें 59 हेलमेट ना पहनने वालों का चालान किया गया और 4-5 लाइसेंस सस्पेंड किया गया। सर, अभियान कहाँ पर चलाया गया? ये अभियान यहाँ तिरवा क्रॉसिंग में चलाया गया है, सरायमीरा में चलाया गया है और जलालपुर पनवारा में चलाया गया है। जितने भी हमारे ब्लैक स्पॉट्स वाले हैं, जगह है, उनको हम लोग चिन्हित करके चल रहा है। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।